सही पहचाने मैम है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग का चैप्टर पूरा हो गया है, 5 सेकंड दोनों में, 5 सेकंड चैप्टर आप लोगों का दोनों में कंप्लीट हो गया है। हिंदी हिंदी लैंग्वेज हिंदी की वही जिसमें कि मैम ने वो ईमानदार युवक की कहानी सुनाई थी, ईमानदार युवक की मैम पूरी कर ली। वेरी गुड। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है? बिना बीच में कोई बोले हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा तब आप लोग बोलिएगा, ठीक है? ओके मैम। आपका पेज नंबर फिफ्थ निकालो। फिफ्थ नंबर मैम निकाल ली है। ये वाली निकालो। फाइव मैम निकाल ली है। निकाल लिए? यस मैम। आपने इंग्लिश और ईवीएस की अभी तक एक्टिविटी की है ना? यस मैम। अब आपको हिंदी की भी करनी है, ठीक है? Okay. हिंदी की एक्टिविटी क्या है आपकी हम बता रहे हैं। आपको ये कविता लिखनी है, ठीक है? मैम मैंने पेज नंबर 5 निकाल ली और चैप्टर है पेज नंबर 1। ठीक। आपको कविता चार्ट पेपर है आप लोगों के पास घर पे? मैम चार्ट पेपर नहीं है। चलिए कोई और पेपर होगा, ठीक है? बड़ा थोड़ा पेपर, कोई भी पेपर आपके पास जो बड़ा हो। आपको साइड में क्या करना है, कविता लिखनी है। एक साइड आपको ये ऐसे आपका होता है, ऐसे ही होता है ना? यस मैम। तो आपको पहले यहाँ कविता का नाम लिखना है, गिनती लिखे, लिख दिए, ठीक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 8 लाइन की कविता लिखनी है। आ कर गई। समझ गए मैम? विनती का पेपर लेके विनती डाल देंगे ऊपर, फिर नीचे कविता लिख लेंगे। जगह बच गई, आप कितनी जगह बची है अभी? यस मैम। बताइए इसमें क्या होगा, बता सकते इसमें क्या होगा कोई? मैम सब पर चित्र बन, यहाँ पे आपका बनेगा चित्र। कैसे बनेगा आपका? कैसे और कैसे बनेगा? कौन सी चित्र बनानी है? आपके बुक पेज नंबर नहीं निकाले अभी फसबी, पेज नंबर निकाले हो कि नहीं? वाला जिसमें कि ये फोटो चिपकी है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। हाँ यही तो बनाएंगे मैम, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अच्छा जो बच्चे विनती कर रहे हैं जो पिक्चर बनी है। शुरू में जिसमें कि दो बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी विनती सुन लो भगवान, जो सबसे शुरू वाली चित्र
आपकी बुक में कितने चैप्टर बने हैं फजबीर? फजबीर आपके बुक में कितने चैप्टर बने हुए हैं बताइए? आपके बुक में यहाँ पे कितने चित्र दिए गए हैं बोलो फजबीर? अब नहीं बोलना है कुछ, अब नहीं बोलना। यहाँ पे कितने चित्र बने हुए हैं? उसमें के एक सूरज, एक बादल, एक दो चिड़िया और दो बच्चे, फूल है और एक और हरी भरी झाड़ियां हैं, तितलियां हैं और नदियां हैं, पेड़ हैं, पर्वत है, बादल हैं। तो आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, ठीक है? यस मैम। तो ऐसे चित्र बनाना है साइड में, हो जाएगा? यस मैम। मैम छोटा से भी बना सकते हैं ना? वेरी गुड पंखुड़ी। हाँ, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप बड़ा बना रहे हैं कि छोटा बनाते हैं, लेकिन आपकी इतनी चीज रहेगी, आपकी कविता का नाम रहेगा। आपकी 8 लाइन की कविता कहाँ तक आएगी बताइए? बनानी है इसमें, इसमें भी बटरफ्लाई और बर्ड्स के फोटोज भी बने हैं। आपकी 8 लाइन कविता कहाँ पर आती है बताइए जरा, कहाँ पे आ रही है? मैम सिर्फ 8 लाइन सुनो, हे भगवान इनसे लेकर तुम्हें प्यार से सीख चुका है इतने। नहीं गलत, आपकी 8 लाइन कहाँ पर आ रही है? तुमने बादल को बरसाया। वेरी गुड पंखुड़ी, यहाँ तक आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है? इतनी चीज समझ में आया? फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट, 8 लाइन की कविता आपको एक साइड लिखनी है यहाँ पे। फिर साइड में अगर चित्र बना सकते हैं तो अच्छी बात है, जो बच्चे बनाना जानते हैं, जो बच्चे कर सकते हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ कविता ही लिखी है, ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है? हम कर सकते हैं बेटा, आप कर सकते हो ना, हम सब बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है? अविका, पंखुड़ी, प्रभात, फजबीर, इतने चीज समझ में आए कि नहीं बताइए? यस मैम। आपको कविता का नाम पहले लिखना है, आपको 8 लाइन की यहाँ पे साइड में कविता लिख देना, चित्र बना दीजिएगा इसको। मैम मुझे कविता लेनी है, कलर करना है, कलर करना है, ठीक है? आपको इस चित्र का कलर भी करना है, हो गई इतनी चीज? यस मैम। इतनी चीज समझ में आई आपको? यस सबको। अब सुनिए क्या करना, अब क्या करना है, जब आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, ये चीज आप पूरा कर रहे हो, जब भी आज से आपके पास समय है, लेकिन अभी सेंड आपको नहीं करना है, हम डेट बताएंगे किस डेट को आपको सेंड करना रहेगा, ठीक? मैम फोटो भेजनी है ना? हाँ हम नहीं, हम बता रहे ना क्या क्या करना है, हम ये कह रहे हैं अभी आज से आप लोग बनाओगे, लेकिन आज कोई भी सेंड नहीं करेगा, हम डेट बताएंगे कि आपको कब सेंड करना है, ठीक? मैम ग्रुप में सेंड करना रहेगा ना? हाँ, आपको जब ये काम कर रहे हो एक फोटो रहेगी, ठीक, जब आप ये चीज बना रहे हैं या फिर आप ये पोयम कविता लिख रहे हो, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। बीच में मत बोलिए फजबीर, अभी रुकिए। आप जब लिख रहे हो या बना रहे हो, आपकी तब एक फोटो रहेगी, आप टोटल बना लोगे पूरा, तो इसके साथ आपकी एक फोटो रहेगी, ठीक? दो चीज समझ में आया, दो बात क्लियर हो? तीसरी बात, आपको कविता पढ़ते हुए एक वीडियो बनाना है, ठीक? अगर यंग है तो याद है तो चार्ट पेपर लेके, या जो भी पेपर है आपके पास उसको लेके आपको कविता याद है तो पढ़ते हुए, और नहीं याद है तो देखकर पढ़ते हुए आपको एक वीडियो बनाना है। मैम मुझे याद है।
क्लियर हुई? हाँ ठीक है, क्लियर हुआ इतना चीज? यस मैम। आप पूछो क्या पूछना, फर्स्ट भी पूछो क्या पूछ रहे थे। मैम इन दोनों में से एक करना है। किन दोनों में से? यही जो बता रही हैं आप। क्या बता रहे हैं? ये जो चित्र या फिर कविता। हमने या बोला है, हमने या शब्द का प्रयोग किया था। दोनों चीज बना रही हैं। हमने क्या बोला है तुम ये बताओ, तस्वीर हमने क्या आपसे बोला है? मेरी बात को दोहराइए, हमने अभी तक आपको क्या क्या बताया है बोलो बोलो। तस्वीर क्या बोले हैं बताइए, आपने कितना आपको समझ में आया, क्या जाने की अभी तक हमने क्या बोला है बताइए। चलिए क्या बताएं हम, नहीं बोलना है आपको? जब नहीं समझ में आता है तो बीच में मत बोला करो, इसीलिए रोकते हैं कि बीच में भी मत बोलो, जो बता रहे हैं पहले उसको सुनो। हमने बोला है आपको पहले कविता का नाम लिखनी है, जिस चीज पे आप बना रहे हो। आपके पास अगर चार्ट पेपर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी पेपर पे आप बनाइए। आपको कविता का नाम लिखना है, आपको फिर बीच में बोले। जब हम आपसे पूछते हैं क्या बताएं तब नहीं बोलते, जब बताने लगते हो तो बीच में बोलते हो। बोलो क्या कह रहे हो, बोलो। आपको कविता का पहले नाम लिखना है, फिर आठ लाइन की कविता लिखनी है, ठीक। अगर चित्र बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चित्र साइड में बना दीजिएगा। नहीं बना सकते हो तो सिर्फ आपको कविता लिखनी है, इतनी चीज मैंने बोला है। मैम मुझे आती है। आप बोलो भी, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, मैं दोनों चीज बना सकता हूँ। आप समझ में आए? इसीलिए कहते हैं जब ध्यान से सुनोगे ना तो अपने आप समझ में आएगा हमें क्या करना है। दोनों चीज बना सकता हूँ। जिसमें कि एक वाइट चार्ट पेपर है, जिसमें कि कोई ड्राइंग नहीं बनाया है, वही है मेरे पास और उसी से ये बना देंगे। एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, ऐसा मत कीजिएगा कि एक पे चित्र बना दीजिएगा एक पे कविता, नहीं बनाइएगा तो दोनों साथ में बनेगी, कविता एक साइड रहेगी और एक साइड चित्र रहेगा। यस मैम। क्लियर है तस्वीर? साइड में कविता रहेगी और दूसरे साइड में चित्र रहेगा। हाँ देखो कैसे चलिए कविता का नाम बोलिए क्या है। विनती। विनती हमने लिखा, ठीक विनती लिखा। कविता पढ़िए क्या है। भगवान अलग नादान, तुमने यह संसार बनाया, सजाया तुमने, अभी का करो। कुछ बोलते हैं ना तो थोड़ा हमारी बात को भी सुना करो। एक एक लाइन एक एक बच्चा पढ़ेगा, सब एक साथ नहीं बोलोगे, एक एक लाइन पढ़ो एक एक बच्चा। प्रभात आवाज नहीं जा रही क्या तुमको? हम
तेरे बालक मादान। प्रभात बालक पंखुड़ी कविता की पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखी है? विनती सुन ले हे भगवान। अभी कहा सेकंड लाइन पढ़िए। सेकंड लाइन पढ़ो अभी का। अभी का माइक ऑन करो। सेकंड लाइन पढ़िए, सेकंड लाइन क्या लिखा है? धम तेरे बालक नादान। फर्स्ट थर्ड लाइन बताइए क्या लिखा है? प्रभात पाल आप पढ़िए थर्ड लाइन क्या लिखा है? मैं मुझे बोलने वाली थी ना। तो जब आप नाम लिए थे तो आपके हम वेट करें। जब हम आपका नाम ले रहे हैं तो आप उस टाइम खो जा रहे हैं, और जब हम किसी और बच्चे से पूछ रहे हैं तो आप बीच में टपाक से बोल रहे हो। तो मैम कट कट के आ रहा है। मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, कट कट के आ रही है थोड़ा। चलिए पंखुड़ी। यस मैम। फिफ्थ लाइन पढ़िए। फल फूलों से इसे सजाया। फिफ्थ लाइन पढ़िए। सेकंड पैसेज के तुमने सुना चांद बनाया। वेरी गुड। मुझे आवाज नहीं आती, बताओ वहां से ना। चलिए नेक्स्ट लाइन बताओ। अभिका सिंह। अभिका। यस मैम। तुमने सर आया। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अब प्रभात पाल। यस मैम। नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए क्या लिखा है? बोलिए कविता फूल। नेक्स्ट लाइन सेवन लाइन क्या लिखी है? सेवन लाइन क्या लिखा है कविता की? रुकिए बोलो प्रभात। तुमने तुमने बादल को बताया। बादल वाली लाइन आप भूल गई हैं। तुम जग के पालक भगवान। प्रभात सेवन लाइन क्या लिखी है वो पढ़िए। हम प्रभात आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? मैम आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? बोलो मैम आपके आवाज सही से नहीं आ रही है ना की? हम आपसे पूछ रहे हैं। रुक रुक आपकी आवाज। आपको कविता की सेवेंथ लाइन पढ़नी है, आप समझ में आया? yes, यस मैम। चलिए बताइए क्या लिखा है? तुमने बादल को बरसाया। तुमने बादल को बरसाया। तुमने पानी पवन बनाया। चलिए ठीक है लास्ट लाइन पढ़ो फजवीर। फजवीर बस एक एक लाइन पूछती हैं। तुमने बादल को बरसाया। वेरी
देखो आपके यहाँ पे 8 लाइन हो गई। अब मेरी बात सुनो, ये आपके कितने लाइन है? 8 लाइन है ना। ये आपने लिखा। फिर अब आपको क्या करना, ये साइड में जगह है अभी, साइड में आपको मैम बोलो, मेरे पास चार्ट पेपर है। अच्छी बात है। इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे बनाना आपका चित्र, देखिए यहाँ पे आपका पक्षी है, उड़ रहा है, ठीक है। आपके क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं ऐसे, ठीक। समझ में आया इतनी चीज कैसे होना है? आप हमको बताइए किस किस बच्चे को समझ में आ गया है? मैम हमें पंखुड़ी बताओ। प्रभास बताइए क्या करेंगे आप, बोलो। प्रभात बताइए क्या करना है आपको? चलिए पंखुड़ी आप बताइए। मैम एक पेपर लेना है, उसमें भी चैप्टर का नाम लिखना है, फिर 8-9 कविता लिखनी है, फिर जो पेज जो आपके पेज बचेगा उसमें हमें हम लोग को चित्र बनाना है। अगर चित्र बना सकते तो ठीक है, नहीं बना सकते तो आपको कविता लिखनी है। इतनी बात बताए हैं। अविका आपको भी यही चीज करना है, समझ में आया? यस मैम। प्रभात अब बताइए आप क्या कह रहे हो? मैम आपकी फोटो नहीं आ रही है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नो मैम। मोबाइल है ये, ऐसे है आपका मोबाइल? बताइए, स्लाइड कीजिए साइड में, जहां पे मेरी वीडियो है वहां पे क्लिक कीजिए। वीडियो नहीं आ रहा है वहां पे। मोबाइल है ये, क्या बता रहे इसको तो सुनो पहले। मोबाइल है ये, ऐसे करो कि ये देखिए वहां से मेरा कहीं पे आ रहा होगा तो उसको डबल क्लिक कीजिए, आ जाएगा। हो गया, हुआ प्रभात? हो गया प्रभात? नो मैम, उसका आपकी फोटो का ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे भी। होगा बेटा, देखो डिवाइन हार्ट करके या आकाश गुप्ता करके होगा, देखिए है। कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अभी तक आ रहा था। प्रभात अपना मोबाइल स्कूल में बनवाने के लिए ले आओ। प्रभात आ गया आपका? यस मैम, यस मैम। आ गया सर, अब दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? प्रभात व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नो मैम, मैंने कर दिया लेकिन व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा।
आ जाएगा अभी, ठीक है, नेटवर्क कुछ दिक्कत है। तो प्रभात वॉइस जा रही है ना आपको, सुनाई दे रहा है? यस मैम, आवाज आ रही। तो बताइए हमने क्या क्या बताया था, बोलो। ये चार्ट पेपर में ये 8 लाइन की कविता लिखनी है और ये इसका चित्र बना देना है, यहाँ इसका। हाँ ओके, अगर आपके पास, हाँ बोलो बोलो। मैं बताऊँ? रुक जाओ, फिर प्रभात क्या करना है? यहाँ पे विनती ये लिख देना है ऊपर, ठीक है। अगर चार्ट पेपर है तो कीजिए, नहीं है तो आप किसी भी पेपर पे कर सकते हो, ठीक है। मैं बताऊँ? मैम आपके पिक्चर आने लगी। ठीक है प्रभात, अगर आपके पास चार्ट पेपर है तो कीजिए, नहीं है, हम सब बच्चे की बात कर रहे हैं। अगर चार्ट पेपर है जिनके पास तो कर सकते हैं, नहीं है तो वो और किसी पेपर पे बना के डेकोरेट कर दो। बोलो। मैं बताऊँ? बोलो, पूछ तो रहे हैं, बोलो। मैम अगर आपके पास चार्ट पेपर हो तो उसमें बना लीजिए, वरना कोई कोई सादा कोई सादा कोई कागज हो, सादा कोई कागज हो उसमें बना लीजिए। और अगर आपको विनती नहीं, अगर आपको पोयम बस भी तो ऐसे है कर रहे बार बार। चलिए, और अब ये चीज तो समझ में आ गई आपको करना क्या है, ठीक है? यस मैम। अब आपको क्या करना है, जब ये आप काम कर रहे हैं, आप काम करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं या कॉपी पे लिखते हैं, तो जब ये कार्य कर रहे होंगे ये वाला, ठीक है, जब ये आप कार्य कर रहे हैं तो आपका ये कार्य करते हुए एक फोटो रहेगी, ठीक? यस मैम। जब आप पूरा बना लोगे, टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा, कलर हो जाएगा, अच्छे से लिख लोगे, फाइनल आपकी इसके साथ, फाइनल इसके साथ आपके फोटो रहेगी, ठीक? इसके साथ फोटो? हाँ फोटो रहेगी, ठीक? यस मैम। ये दो चीज हो गया। अगर आपको कविता याद है, तो कविता बोलते हुए आपको एक वीडियो बनाना है, ठीक? नहीं याद है तो आप देख कर वीडियो बना सकते हैं, कविता पढ़ते हुए, क्लियर है? बालक नादान, तुमने ये संस्था बनाया, फूल फूलों से सजाया, तुमने चरण बनाया, तुमने दानों को चमका, तुमने पानी पवन बनाया, तुमने बादल को बरसाया, तुमने तुम जग के पालक भगवान। अभी का पंखुड़ी आप लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत आप दोनों को? अभी का पंखुड़ी, पंखुड़ी और अभी का सिंह माइक ऑन करो। मैं, मेरे माइक तो ऑन है, तो बोल क्यों नहीं रही बेटा? आपको समझ में आ गया ना? यस मैम। और पंखुड़ी आपको? यस मैम, समझ में आ गया, आपका भेजना है। आपको 4 तारीख डेट शायद दी जाएगी, ठीक है, 4 को। अभी कोई नहीं भेजेगा, 4 डेट को सिर्फ आपको बनाकर रखना है अपने पास, ठीक है? जिनका बन जाता है अच्छी बात है, आपके जब हम बताएंगे तब आप मोबाइल पे सेंड करोगे, इसके पहले कोई बच्चा सेंड नहीं करेगा जब तक हम ना बोले, ठीक है? हमने सेंड करने की कोई बात बोली अभी? नो मैम। ठीक, आपको डेट बताई जाएगी कि आपको किस दिन सेंड करना है। आप सिर्फ, आपका इतना काम है कि इन सब कार्यों को जितना बताया गया है आपको इसको बनाकर रखना है, ठीक? कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है किसी भी चीज में।
नो मैम। ठीक है, बाकी आप लोग काम कंप्लीट कीजिए कॉपी में। आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया है ना, उसे आप लोग कॉपी में कंप्लीट कीजिए। थ्री चैप्टर भी हो गया है। अच्छी बात है पंकुड़ी। प्रभात पाल। यस मैम। बेटा आपका कहाँ तक हुआ है कॉपी में? कॉपी में हाँ मेरा बोलो कहाँ तक हुआ है? मैम थर्ड। अच्छा तो आप लोग ठीक है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर और इसमें लिटरेचर में और लैंग्वेज दोनों में आप लोग कंप्लीट करके रखे रहिए। ठीक है? यस मैम। चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय।